हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं अमृता आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक मज़ेदार रेसिपी अपने चैनल फूडोपैथी में। जी हाँ, आज हम बनाएंगे लच्छा प्याज, जो अक्सर हम रेस्टोरेंट और ढाबे में खाते हैं, जिससे हमारे खाने का स्वाद बढ़ जाता है कई गुना। तो आज मैं आपके साथ सिर्फ ये रेड वाला लच्छा प्याज की रेसिपी ही नहीं शेयर कर रही हूँ, साथ में शेयर कर रही हूँ क्रीमी लच्छा प्याज की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, माइल्ड होता है फ्लेवर में। अभी कुछ दिनों पहले इसे मैंने ट्राई किया था अफगानी सोया चाप के साथ, तो मैंने सोचा इसे भी इसके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए दोनों तरह के प्याज को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए बड़े साइज़ का प्याज लिया, हमें सुंदर और अच्छे लच्छे मिले इसके लिए हम हमेशा बड़े साइज़ का प्याज लेंगे। कभी कभी हमें प्याज ऐसा मिल जाता है जिसमें दो प्याज जुड़े होते हैं, तो हमें उस तरह का प्याज नहीं लेना। अब प्याज के जो ये ऊपर हार्ड वाला पोर्शन है, इसे हमें कभी भी खाने में यूज़ नहीं करना चाहिए, तो इसे मैं काट के निकाल दूंगी। तो देखिए, इसको इस तरीके से गोल घुमाते हुए हम काट के निकाल देंगे। अब हम इसके लच्छे काटेंगे। तो लच्छा हमें बहुत पतला भी नहीं लेना और बहुत मोटा भी नहीं लेना है, हमें मीडियम थिकनेस का लच्छा कट करना है। तो आप देखिए इस तरीके से पकड़ के आराम से कट करिए। तो इस तरीके से धीमे धीमे हम अपने पूरे प्याज को काट लेंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके फ्री में। तो चलिए इस तरीके से रिंग्स को हम निकाल लेंगे। इस तरीके से देखिए हाथों से दबाते जाएंगे तो सारे रिंग्स आपस में खुलते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका प्याज ज़्यादा तीखा है, तो आप इसको कट करने के बाद एक चिल्ड वाटर के बोल में डाल दीजिए करीब 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद रिंग्स निकालिए, आपके प्याज का तीखापन कम हो जाएगा। मैंने रिंग्स को एक मिक्सिंग बोल में ले लिया। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, बारीक कटा हुआ 1 हरी मिर्च, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। अगर आपको लगता है कि चम्मच से अच्छे से नहीं मिला पा रहे, तो अपने हाथों से भी इसको मिला सकते हैं, जिससे कि सारा मसाला प्याज के रिंग्स पे अच्छे से कोट हो जाए। लच्छा प्याज मिनटों में तैयार हो जाता है और ये खाने के टेस्ट को कई गुना बढ़ा देता है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम नींबू का रस। नींबू का रस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे नमक, और सारी चीज़ों को हम अच्छे से टॉस कर लेंगे। चाट मसाला डालते समय ध्यान रखिएगा कि आपने इसमें चाट मसाला डाला है और चाट मसाला में भी नमक होता है। तो चलिए इसको करते हैं सर्व। ये देखिए कितने अच्छे रिंग्स लग रहे हैं, बड़े बड़े साइज़ के, क्योंकि हमने प्याज बड़ा लिया था। ऊपर से इसको गार्निश करेंगे हरी धनिया की पत्ती से। तो बस मिनटों में तैयार हो गया हमारा लच्छा प्याज। चलिए अब बनाते हैं इसके बाद क्रीमी लच्छा प्याज। क्रीमी लच्छा प्याज के लिए भी मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जैसे पहले लिया था, और सेम तरीके से काट के इसके रिंग्स निकाल लिए हैं। पर यहाँ पे आप हम इसको चिल्ड वाटर में रखेंगे। आप चाहिए तो पानी में आइस क्यूब्स भी डाल दीजिए, इससे इसमें क्रिस्पीनेस भी बहुत अच्छा आता है प्याज में, और जिसका जो तीखापन होता है वो भी कम हो जाता है। तो सारे रिंग्स को हम पानी में अच्छे से डुबो के 10 मिनट के लिए रख देंगे, और 10 मिनट के बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। जो प्रोसेस मैंने अभी, सेम प्रोसेस आप लाल वाले लच्छा प्याज को बनाते समय भी उसका तीखापन कम करने के लिए कर सकते हैं। अब रिंग्स को मैंने बोल में ले लिया है और उसमें डाल दिया है मैंने वाइट पेपर पाउडर। आपके पास वाइट नहीं है तो आप ब्लैक डाल दीजिए। भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला आधा चम्मच, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैंने 1 डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, मैंने अमूल फ्रेश क्रीम लिया है, आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से पहले एक बार मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी, मैंने 1/4 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लिया है, नमक, और दोबारा इसको मिला लेंगे। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप क्रीम में चीनी को मिला के रख दीजिए, जिससे वह अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके बाद आप उसमें प्याज में डालिए। अब इसको हम करते हैं सर। देखिए बस मिनटों में ही बन गया। मिक्सिंग बोल में जो क्रीम बच गई ऊपर से उसको डाल देंगे। इसको गार्निश करेंगे ग्रेटेड
बीटरूट से और धनिया की पत्ती से। आप दोनों में से एक भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है। तो देखिए हमारा मज़ेदार क्रीमी लच्छा प्याज तैयार है। इसे आप इंजॉय करिए अफ़गानी रेसिपीज़ के साथ, मलाई पनीर टिक्का या फिर कोई भी माइल्ड फ्लेवर का जो रेसिपी होता है ना उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए दोनों प्याज हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं और बस ये मिनटों में ही बन जाते हैं, आप किसी भी समय कभी भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, और जाते जाते चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।